वेलकम टू पी आर लर्निंग लैब माई नेम सौम्या और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वर्प्स. वर्प्स के बारे में तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ब्स के बारे में तो आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स में तीन वर्ब्स को स्टडी करेंगे बी डू और हैव उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और अगर आपने इस वीडियो वीडियो सीरीज की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वट वी विल लर्न व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज ऑफ बी डू एंड हैव एज ऑगरी वर्ब्स आज के लेसन में हम बी डू और हाँ इन तीनों ऑग्जिल वर्ब्स के बारे में अच्छे से सीखेंगे तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑग्जिलरी वर्ब्स क्या होते हैं एंड ऑग्जिलरी वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब ऑग्जिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं ये एक स्टेटमेंट में उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं दीज वर्ब्स गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस जो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है मतलब कि कोई काम करना वो होता है मेन वर्ब लेकिन ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स ये मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं उनके बारे में और डिटेल देने के लिए विद can वर्ब्स यू कैन राइट tenses, मूड्स और वॉयसेस इनका यूज करके हम किसी भी तरीके से अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं हम उन्हें किसी भी टेंस में लिख सकते हैं किसी भी मूड में या फिर किसी भी वॉइस में लिख सकते हैं सम verbs वर्ब्स आर बी टू हैव shall, वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट etc. आज हम जिन तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे वो है बी डू और हैव सबसे पहले हम बी के बारे में बात करेंगे बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब बी को हम दो तरीके के सेंटेंसेस में यूज करते हैं सबसे पहले प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस मतलब कि कंटिन्यूस सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा था तो उसमें जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हम बी वर्ड का यूज करते हैं सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखेंगे आई एम टेकिंग अ बाथ ये कंटिन्यूस एक्शन है कि आई एम टेकिंग अ बाथ तो यहाँ पे आपको एम देखने को मिलेगा एम बी के अंडर आता है बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जब भी हम बी की बात करते हैं हम किसी भी स्टेटमेंट में बी को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं बी मतलब होता है इज एम आर वॉज वर का यूज ये सारे हमारे बी के अंडर आते हैं तो आई एम टेकिंग अ बात यहाँ पे जो एम है वो हमारा बी के अंडर हुआ मतलब कि वो बी हुआ दिस पिक्चर वॉज पेंटेड हंड्रेड इयर्स अगो अब यहाँ पे आपको एक और ऑक्सिलरी वो वॉज देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको एक और बार बी देखने को मिलेगा बेसिकली हम बी वर्ड की जगह पर यूज करते हैं हम बी को डायरेक्टली नहीं लिखते हैं दिस पिक्चर वॉज पेंटेड हंड्रेड इयर्स गो उसी तरीके से आर यू लिसनिंग टू मी क्या तुम मुझे सुन रहे हो यहाँ पे भी बी का यूज हमने आर के फॉर्म में किया है इसके अलावा हम बी का पैसिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आई वॉज गिवन अ फ्री मील यहां पे आपको देखने को मिलेगा वॉज ही वॉज सीन बाय फैंस एट द एयरपोर्ट यहाँ पे आपको एक और बार बी का यूज देखने को मिलेगा अगर हम इन सेंटेंसेस में मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब होता है कुछ काम करना लाइक ये हुआ हमारा मेन वर्ब इनके साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज किया है जैसे कि आप देखेंगे पेंटेड ये हुआ यहाँ पे मेन वर्ब मैं मेन वर्ब्स के साथ एम वी लिख दूंगी आर यू लिसनिंग लिसनिंग किसी को सुनना भी वर्ब हुआ यहाँ पर भी हमने मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है आई वॉज गिवन कोई चीज देना ये हुआ हमारा मेन वर्ब ही देखना ये भी हमारा मेन वर्ब हुआ द सॉन्ग हैज बीन संग गाना गाना ये भी हमारा मेन वर्ब हुआ इनके साथ हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स का अब इस स्टेटमेंट में आप देखेंगे दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय ऑल नेशंस हैज बीन हैज और बीन ये दोनों ही हमारे बी के अंडर आते हैं तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब अब जो नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ेंगे वो है डू डू के अंडर आते हैं डोंट डिडंट ये सारे हमारे डू के पार्ट्स होते हैं या फिर डज डिड ये सारे ही हमारे डू के पार्ट्स होते हैं सबसे पहले यूज दिन नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी हम किसी नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि जहां पर हम नॉट वर्ड का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तब भी हम डू वर्ब का यूज करते हैं शी डज नॉट अग्री विद मी अब आपको यहाँ पे डजेंट वर्ड देखने को मिलेगा डजेंट का फुल फॉर्म होता है डज नॉट उसी तरीके से डिडेंट का फुल फॉर्म होता है डिड नॉट लाइक like, यहां पर आप देखेंगे शी डज नॉट अगर आपको ऐसे पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म बना के लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है शी ड अग्री विद मी दे डिड नॉट अराइव हैर येट शी डज नॉट लाइक कॉफी तो ये होते हैं डू वर्ब का यूज उसी तरीके से हम डू को क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं जैसे कि डू वी हैव अनदर डे डिड ही फिनिश होमवर्क डू यू स्पीक इंग्लिश तो ये डू डू डिड ये तीनों ही हमारे डू के यूजेस हैं नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है हैव को हम हमेशा परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज करते हैं जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है आप देखेंगे आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ माइल वी हैव डन अ लॉट सो फार शी हैड बीन क्वीन ऑफ द टाउन हैव यू गॉट अ डॉग ही हैज प्लेड फुटबॉल हैव यू एव बीन टू मुंबई हैव यू एव बीन टू मुंबई अब हैव मतलब जरूरी नहीं है कि हम स्टेटमेंट में हैव वर्ड को ही लिखें हैव के अंडर है और हैड ये तीनों ही वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं तो आपको इन सभी स्टेटमेंट में इन तीनों का कहीं ना कहीं यूज देखने को मिल जाएगा ये होता है हमारा हैव वर्ड का यूज तो आप देखेंगे कि ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे मेन वर्ब्स के साथ यूज हुए हैं जैसे कि फॉलो करना ये है मेन वर्ब या फिर अगर मैं और सेंटेंसेस की बात करूं तो फिनिश किसी चीज को फिनिश करना कोई काम खत्म करना तो ये भी हमारा मेन वर्ब है अराइव अग्री आप देखेंगे कि कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हम किसी भी स्टेटमेंट में अकेले नहीं कर सकते उस स्टेटमेंट में एक मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है तो हर स्टेटमेंट में आपको एक ना एक मेन वर्ब जरूर मिलेगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग